अरे यार, देर इज सो मच एक्साइटमेंट ऑब्वियसली. एंड मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कभी आएगी अपॉर्चुनिटी या मिलेगा मौका. सो डेफिनेटली मैं नर्वस भी हूँ, पर उससे मेरे दिन ही निकल रहे, मेरे घंटे ही नहीं निकल रहे. सोचे अभी जाओ कब जाऊंगी. सो यार, वेरी मच एक्साइटेड. क्या बात है. वैसे एक चीज मैं कह सकता हूँ कि ईशा तुम्हारे फैन बहुत बेताब है कि तुम्हें बिग बॉस के घर में देखने के लिए. बट यार एक चीज बताओ, लाइक तुमने कभी जब तुम छोटी उम्र में स्टार्ट किया, कभी सोचा था ये मैनिफेस्टेशन था कि तुम्हें बिग बॉस के घर में जाना है? यार नहीं, मेरी जिंदगी में ना अब तक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें ही होती आ रही है. फर्स्ट बॉस उड़ा रही है, नाउ इट्स बिग बॉस. तो मैंने तो पहली बात तो इंडस्ट्री का ही कभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट था ही नहीं. तो पहले तो मैंने उडारिया किया, फिर उसके थ्रू मैं इंडस्ट्री में आई, विच वॉज अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी. और उसके बाद बिग बॉस वॉज ऑल्सो देयर. तो ऑफकोर्स आई एम हैप्पी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर, और मेरे को सब एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिल रहा है धीरे धीरे. सो या आई एम हैप्पी. क्या बात है. और वैसे ईशा की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है? मैं तुम्हें जानता हूँ, बट आई स्टिल वांट टू नो कि ईशा की स्ट्रेंथ क्या होगी अंदर जाकर, लाइक किस तरह से. बिग बॉस यार स्ट्रेंथ तो यही पर्सनालिटी है मेरी. स्ट्रेंथ तो बिकॉज आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड. और पर जो है वो है यार, ऐसा कुछ मेरे को किसी को ना धोखे में ज्यादा देर तक रखना पसंद नहीं. ज्यादा देर क्या, बिल्कुल भी नहीं रखना पसंद है. सो आई कांट फेक इट एंड आई कांट बी प्रिटेंशियस. सो दैट इज ऑल व्हाट आई थिंक इज माय स्ट्रेंथ, एंड इट इज गोइंग टू बी देयर टू हेल्प मी इनसाइड द हाउस एज वेल. सो यस. क्या बात है. और बिग बॉस के घर में ऐसी कौन सी ड्यूटी है जिसको करने से तुम्हें डर लग रहा है ऑलरेडी? यार मुझे कोई ड्यूटी से डर नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज आई नो एवरीथिंग. बट हाँ, प्रेफरेंस की ऐसे बात करें ना, तो आई वुड नेवर वांट टू बी इन द टॉयलेट साइड. ऑफ कोर्स यार, कोई नहीं वो करना चाहता है, पर ठीक है, मिलेगा तो कर लेंगे, दैट इज ओके. हाँ तो लेकिन एक चीज है कि ना, बहुत सारी चीजें मैं घर देख चुका हूँ. घर फैंटाबुलस है. मैंने तो बहुत कुछ बताना नहीं है, लेकिन कुछ तुम्हें तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कौन से पार्ट के लिए है घर के? कौन से? यार मुझे ना गार्डन के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज सी हम लोग एक घर में लॉक रहने वाले हैं ना इतने दिन के लिए. सो देन व्हेन वी गेट टू नो कि थोड़ा मतलब एटलीस्ट दिन में तो दिखेगा दिखेगा, ऊपर से रात हो रहा है, दिन हो रहा है, क्या है, सूरज दिखेगा, तारे वारे दिखेंगे, तो आई एम एक्साइटेड. कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट इज ऑल लॉक्ड लॉक. यू कैन एट लीस्ट गो इन द गार्डन एरिया एंड सी कि क्या चल रहा है, क्या एटमॉस्फेयर है. क्या बात है. और साथ ही में एक चीज है, तुम्हारे फैंस जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें, है ना? तो लाइक उनको क्या अभी मैसेज देना चाहती हो? बिकॉज बहुत जंगल राइड होने वाली है कि कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कई बार तुम बहुत नेगेटिव हो जाओ, हो सकता है कि तुमसे कुछ बहुत सारी गलत चीजें हो जाए, क्योंकि ये एक है ना, करो या मरो वाला गेम. हाँ. तो उनको क्या कहना चाहोगी? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि फैंस डोल जाए, उनके उनके बारे में क्या कहना चाहोगी? यार मैं ना फैंस को ये बोलना चाहूंगी कि एज अ ह्यूमन बींग ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस जिससे हम अटैच्ड होते हैं उससे बहुत ज्यादा होती है. सो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि फैंस को भी मुझसे काफी एक्सपेक्टेशंस हैं. बट मैं घर के अंदर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बी देयर अलोन. तो मैं सिर्फ अभी के लिए इतना प्रॉमिस करके जा सकती हूँ दैट आई विल बी रियल इनसाइड द हाउस. और मैं कुछ भी ऐसा बिल्कुल पूरा ट्राई करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे मेरे लव्ड वंस या जो भी मेरे वेल विशर्स हैं उनको शर्मिंदा होना पड़े या उनको हर्ट हो. सो आई विल ट्राई टू मेक माई आइडेंटिटी देयर. क्या बात है. और ईशा मैं यही चाहूंगा कि जब आप बाहर आओ, ऐसा कमाल करके आओ कि हम हमेशा जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं मजा आता है. हाँ. लेकिन जब आप इस बार आओ तो हमारे पास बहुत कुछ हो और बहुत सारे किस्से हो जो हम एक साथ डिस्कस करें. यस 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 बबनी, डेफिनेटली. क्या बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई विल सी यू बबनी. बाय बाय.